पीएम मोदी ने किया स्व सहायता समूह की दीदियों से लाइव संवाद। दीदियां बोली, बदल रहा है हमारा जीवन। खबर कराहल से है, जहां आज 6 मार्च को कराहल स्थित आजीविका भवन में स्व सहायता समूह की महिलाओं को लेकर एक प्रशिक्षण आयोजन रखा गया था। लाइव संवाद के लिए LED और स्पीकर लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कराहल जनपद अध्यक्ष बत्तोबाई ने की। वहीं BJP पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सफलता की कहानी, जीवन में बदलाव, आर्थिक आय में वृद्धि आदि तमाम बातें मंच के माध्यम से साझा की। कार्यक्रम की रूपरेखा विकासखंड समन्वयक रामराज मीना द्वारा तैयार की गई। वही कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में दीदियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि स्व सहायता समूह के माध्यम से जिले भर में लाखों की संख्या में दीदियों को लाभ मिल रहा है। उनके जीवन में काफी बदलाव आए हैं। हर महिला समूह से जुड़कर उन्नति के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम के बाद सभी के लिए भोजन व्यवस्था का प्रबंध किया गया। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं शक्ति CLF संपूर्ण कराल की अध्यक्ष हूँ। क्या प्रोग्राम था ये आज का इस कार्यक्रम में आज महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनकी महिलाओं को क्या किस किस विषय प्रकार योजना चलाई जा रही है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये इस कार्यक्रम था। ये महिला सशक्तिकरण का के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, तो क्या समूह की महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए हैं? समूह की महिलाओं के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, वो आज अकेले अपने उसके लिए और अपने हक के लिए जानने लगी है कि हमारा हक क्या है, हमारी पहचान क्या है। और आज जैसे गांव से ना निकलने वाली महिलाएं आज दिल्ली, भोपाल, इंदौर, कहीं भी किसी भी राज्य में शहर में अकेली जा रही है, अकेली आ रही है। तो ये सब मोदी जी के प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से महिलाओं को इतना आगे बढ़ाने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसमें उनकी अच्छी सहभागिता रही है। मेरा नाम दीनू कुशवाहा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष करहाल। ये जो आज कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे, क्या कार्यक्रम था ये? ये आज कार्यक्रम था, स्वयं सहायता समूह की बहनों से मोदी जी ने लाइव संवाद किया था। उनकी स्वयं कार्यशाला थी, मोदी जी से संवाद था। क्या मतलब क्या हुआ इसमें, क्या बात हुई? इसमें महिलाओं को लेकर ही चर्चा हुई थी कि हमारी भाजपा सरकार महिलाओं के हित के लिए स्वयं सहायता समूह चला रही है, और स्वयं सहायता समूह के जरिए अन्य क्षेत्रों में हमारी दीदियां काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, अपने दम पर अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल रहा है। तो हमारी सरकार की यही कामना रहेगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की यही कामना है कि महिला हमारी दीदी आगे बढ़े और हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्या ये स्व सहायता समूह के जरिए आदिवासी महिलाओं के जीवन में विकास हो रहा है क्या? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके जितनी भी योजना चली हैं आदिवासी महिलाओं के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि उनके जीवन में ज़्यादा उन्नति और उनको ज़्यादा सहयोग मिले। बत्तो भाई। अच्छा, क्या है आप? हाँ, जनपद की अध्यक्ष कराल ब्लॉक की। अच्छा, जनपद अध्यक्ष। हाँ, जनपद। ये जो कार्यक्रम हुआ था स्व सहायता समूह की दीदियों का, हाँ, क्या कार्यक्रम था ये? खूब संवाद करे आज मेलन को, बहुत बहुत वो करो मेलन का आज मोदी जी ने, और जो पिछली भाई हमारी महिला थे मोदी जी बहुत सम्मान कर रहे हैं इनका, आज बहुत कछु दे रहे हैं, लाभ मिल रहा है समूह द्वारा। समूह जो चल रहे हैं, इन समूह से क्या तरक्की हो रही है? का तरक्की हो रही है, मिल रहा है इनका आज पैसा दे ला, खूब चला रही है महिला और का दे रहे हैं मोदी जी। गाँव गाँव में आदिवासी महिला खूब तरक्की हो रही है महिला की।